गुड इवनिंग दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया न्यूज़ लेके आया हूँ। JSLPS यानी कि झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के द्वारा जो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, तो उसका रिटर्न एग्ज़ाम का रिजल्ट तो आ चुका था। अब वेरिफिकेशन जो है उसकी डेट आ चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट। तो इसमें देखिए दो चीज़ आया है, एक बायोडाटा आया है, फॉर्मेट ऑफ बायोडाटा टू बी फिल्ड बाय द पर्सन कमिटी कमिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अनदर सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ CC यानी कम्युनिटी ट्रेनिंग, ठीक है। और दूसरी जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है कब कब होगा, तो चलिए आइए देखते हैं कि डेट कब है। यहाँ देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिखा है JSLPS द्वारा आयोजित की जा रही सामुदायिक समन्वय प्रशिक्षु के चयन प्रक्रिया से संबंधित सूचना। यह सूचना उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने JSLPS द्वारा सामुदायिक समन्वयक प्रशिक्षु पद हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं और जिनका नाम वेबसाइट पर 24 मई 2018 को जिलेवार टेबल में सफल अभ्यर्थियों के रूप में प्रकाशित किया गया था। यानी कि ये सूचना उन लोगों के लिए है जो पास हुए हैं एग्ज़ाम में, जिनका मेरिट में नाम आया है, ठीक है, जिनको क्वालिफाई किया गया है उनके लिए सूचना है। और इसके आगे इन्होंने लिखा है, संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि सफल अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की समय सारणी जो शेड्यूल दिया गया है वो निर्धारित कर लिया गया है और इसका विवरण नीचे टेबल में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं कि किस किस डेट को कब कब इसका वेरिफिकेशन डेट दिया गया है। देखिए रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उसका लोकेशन रांची, 12 जून को है वेरिफिकेशन डेट। और इसका जो वेन्यू है वो है कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल ऑपोजिट SS मेमोरियल कॉलेज कांके रोड रांची, ठीक है। तो कांके रोड रांची यहाँ पे इनका वेरिफिकेशन होगा। किस किस डिस्ट्रिक्ट का, तो आप देख लीजिए, रामगढ़, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा, ईस्ट सिंहभूम, कोडरमा, रांची, चतरा, लातेहार, गढ़वा, जामताड़ा, गोड्डा, साहेबगंज, ये 14 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये 14 डिस्ट्रिक्ट का जो है वेरिफिकेशन जो प्लेस है, जो वेन्यू है वो कहाँ पे है, कैम्ब्रियन पब्लिक स्कूल ऑपोजिट SS मेमोरियल कॉलेज कांके रोड, ये आप पता कर लीजिएगा किस जगह पे है। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का 12 जून को है, गुमला और लोहरदगा को 13 जून को है, खूंटी सिमडेगा का 14 जून को, ईस्ट सिंहभूम और कोडरमा का 18 जून को है, रांची का 19-20 जून दो दिन है, चतरा का 22 जून को है, लातेहार का 23 जून, गढ़वा का 26 जून, जामताड़ा 27 जून, गोड्डा का 28 जून। ये देखिए टाइमिंग सारे का है, रिपोर्टिंग टाइम है 2:30 पे, यानी कि 2:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है दोपहर के। उसके बाद आगे का डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, जो बाकी 14 के बाद जो डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट सिंहभूम उनका है 3 जुलाई को है, सरायकेला खरसावां को 4 जुलाई को है, हजारीबाग का 5 जुलाई को है, दुमका का, गिरडी, बोकारो, धनबाद, देवघर, पलामू, देख लीजिए सबका। ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट का 11 जुलाई को है, देवघर का 12 जुलाई का है। और इनका जो वेन्यू है यानी कि 15 से लेकर 23 जो है डिस्ट्रिक्ट उनका जो वेन्यू है वो है, वेन्यू एंड रिपोर्टिंग टाइम विल बी कम्युनिकेटेड सून, यानी कि इनका जो वेन्यू है ये अभी दिया गया नहीं है और रिपोर्टिंग टाइम दो चीज़ नहीं दिया गया है। अभी 14 ही डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है और वेन्यू, ठीक है। तो आगे नोटिस आएगा इसके लिए कि कब इसका कहाँ पे वेन्यू रहेगा और रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा। इसके बाद इन्होंने आगे लिखा है, उपरोक्त टेबल में जिन जिलों हेतु दो दिन निर्धारित किए गए हैं वहाँ रोल नंबर के अनुसार संबंधित अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जो भी डेट दिया गया वहाँ पर स्टूडेंट को बुलाया जाएगा रोल नंबर के आधार पर। इसकी सूचना अगले कुछ दिनों में वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, कुछ दिन के बाद इसकी सूचना आएगी। साथ ही इसकी सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संबंधित अभ्यर्थी को भेजी जाएगी। और देखिए मोबाइल पर भी सबको मैसेज भेजा जाएगा इसके लिए। तिथि में किसी प्रकार के बदलाव की दशा में अभ्यर्थी को SMS द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। अगर किसी तरह का अगर कुछ चेंजेस होता है तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट को मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए, सभी संबद्ध अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त समय सारणी दिनांक एवं
समय के अनुसार निर्दिष्ट स्थान, यानी कि जहाँ पे आपका प्लेस दिया गया वहाँ पे निश्चित रूप से पहुँचकर दस्तावेज सत्यापन कराएं, जैसा कि 24 मई को प्रकाशित सूचना में स्पष्ट किया गया है। और उसके बाद यह है जो स्टूडेंट है उन्हें लाना क्या है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने दे दिया है। निम्न दस्तावेज की मूल, देखिए इस बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, नहीं तो अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो आपको लौटना पड़ सकता है, इसलिए आपको क्या लेके जाना है, मूल, ओरिजिनल और अभिप्रमाणित, स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड की कॉपी लेके जाना है। तो किसका किसका ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना है, लिखित परीक्षा है तो निर्गत किया गया प्रवेश पत्र, ठीक है, जो एडमिट कार्ड आपको मिला था उस पर पत्र को आपको लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, उसकी एक जेरोक्स कॉपी में सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। उसके बाद मैट्रिक का जो परीक्षा है उसका अंक पत्र यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दो चीज़ आपको मैट्रिक का चाहिए, इसका ओरिजिनल भी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आप उसे जेरोक्स करा लेंगे फिर उसमें सेल्फ अटेस्टेड करेंगे और उसे ले जाएंगे। उसके बाद क्या है, मान्य डोमिसाइल सर्टिफिकेट, देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए यानी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं वहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी या DC हो सकता है, DC या SDO जिसे बोलते हैं, SDO जिसे बोलते हैं या DC, इस दोनों लेवल का आपके पास रेसिडेंसियल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो जो ब्लॉक लेवल पे होता है वो आपको नहीं चलेगा, ठीक है। ये तीन चीज़ हो गए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ये भी चाहिए आपको, SDO या DC का बना हुआ होना चाहिए। उसके साथ वोटर ID चाहिए या फिर आधार कार्ड, दोनों में से कोई भी, जिसमें फ़ोटो प्रमाण या फिर आप कोई, अगर आपके पास कोई ID है कॉलेज वगैरह का तो आप उसे ले जा सकते हैं। और उसके साथ क्या ले जाना है, दो रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो यानी कि आपको 6 चीज़ ले जाना है, उसमें से मैट्रिक का 2 चीज़, पासिंग और मार्कशीट। एक बार आप फिर से यहाँ देख लीजिए क्या क्या लेके जाना है, जो एडमिट कार्ड मिला है वो, दूसरा है मैट्रिक का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जो कि, तो ये दोनों रेसिडेंशियल और जाति जो है वो SDO या DC का होना चाहिए या उससे उच्च अधिकारी का, और आधार कार्ड या वोटर ID या कॉलेज ID कुछ भी ले जा सकते हैं, और हाल ही का रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है, कृपया निम्न शर्तों को ध्यान से पढ़ें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया इन शर्तों का अनुपालन में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुछ यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, जिलेवार निर्धारित तिथि और समय के अलावा संबंधित जिले के अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए कोई अलग समय नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो समय दिया गया उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा उसको अलग से। अगर आपको बोल रहे हैं कि आप उस दिन अगर आपका कोई और एग्ज़ाम है और आप चाहते हैं कि नहीं जा पाएंगे हम, किसी और डेट को मुझे मिले चांस, तो ऐसा नहीं होगा, इस संबंध में कोई अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। बताए गए दस्तावेज में नहीं ला जाने की स्थिति में अथवा स्वयं इन सभी दस्तावेज के साथ उपस्थित नहीं होने की दशा में संबंधित अभ्यर्थी की पात्रता चयन प्रक्रिया से रद्द मानी जाएगी, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लाने के लिए बोला गया है उसमें से अगर कोई भी चीज़ अगर आप नहीं लेके जाते हैं या स्वयं नहीं जाते हैं तो आपकी जो है पात्रता यानी कि कैंडिडेचर आपका रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, प्रस्तुत दस्तावेजों के विवरण को अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सूचनाओं के साथ मिलान किया जाएगा। कोई भी विसंगति यानी कि जो भी आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी आपने नाम डाला है, स्पेलिंग हो या डेट ऑफ बर्थ हो या कुछ भी हो, तो उसे सारा चीज़ जो परसेंटेज डाला है आपने वो मिलान किया जाएगा। कोई गलती पाई जाती है तो उसे भी चयन प्रक्रिया से रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए समय अपराह्न 2:30 बजे से 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। हो सकता है इसके लिए तैयार रहें, यानी कि जो भी है हो सकता है कि माइन कारणों से प्रक्रिया अगले दिन तक के लिए जारी, मान लीजिए अगर 2:30 बजे से 6 बजे तक नहीं होता तो उसकी सूचना आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। और अगर वहाँ पे अगर आपको रुकना पड़े तो उसके लिए व्यवस्था आपको खुद से ही करना पड़ेगा।
उसके बाद है एक पांचवा नंबर जो दिया टर्म्स, अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में अपना बायोडाटा भरना होगा। यानी कि एक प्रपत्र दिया गया है जिसमें आपको अपना बायोडाटा भरना पड़ेगा, ठीक है, और उसकी वेबसाइट में उसका जो फॉर्मेट दिया गया है वो वेबसाइट में दे दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको भर के दस्तावेज़ जिस दिन सत्यापन होगा उस डेट में आपको लेके जाना है। इस प्रक्रिया में भाग लेने हेतु कोई भी भत्ता दे नहीं होगा, यानी कि कोई भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा आपको जाने के लिए। इस प्रक्रिया या प्रक्रिया अंतिम चरण चयन नहीं माना जाए, ये जो है अंतिम चयन नहीं माना जाए इसको। दस्तावेज सत्यापन के बाद अन्य सभी निर्धारित मापदंडों के साथ अंतिम सूची जिलेवार आरक्षण रोस्टर के साथ तैयार करके प्रकाशित की जाएगी। तो इसमें अगर वेरिफिकेशन के बाद आप ये नहीं सोचें कि मेरा इसमें हो गया है, क्योंकि ये अंतिम चयन प्रक्रिया नहीं है। चलिए हम देखते हैं जो बायोडाटा दिया गया है जिसे भर के ले जाना है वो कैसे है। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लिंक जो है, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से आप डायरेक्ट इस ये जो दिख रहा है आपको पेज, यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं और इसमें आपको यहाँ जो है बायोडाटा फॉर्मेट जो है उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको वो चीज़ डाउनलोड हो जाएगा। और ये नोटिफिकेशन जो मैंने यहाँ पर दिखाया वहाँ से आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों चीज़। तो चलिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी सामुदायिक समन्वयक प्रशिक्षु के पद हेतु दस्तावेज सत्यापन प्रपत्र। यहाँ पे देखिए फोटो चिपकाना है, यहाँ पे रोल नंबर लिखना है, अनुक्रमांक नाम पता पिता का नाम माता का नाम जन्म तारीख देना है, मैट्रिक देखिए DM MM YY यानी कि डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में देना है, और उसके बाद आपको लिंक देना है, मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी डालना है, दिव्यांग श्रेणी अगर आप हैं तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है, और अगर हैं तो आपको सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए, ठीक है। आपको देख लीजिए आरक्षण श्रेणी, आरक्षण श्रेणी में आप किस में आते हैं, जनरल में आते हैं, OBC SC ST किस में आते हैं, BC 1 BC 2 में आते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आरक्षण श्रेणी प्रमाण पत्र, आपको अगर आप BC 1 में आते हैं तो उसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट है उसमें नंबर होगा वो नंबर आपको देना है यहाँ पे, प्रमाण पत्र संख्या, और किस डेट को आपका प्रमाण पत्र जारी किया गया वो डेट देना है यहाँ पे, और किस पदाधिकारी यानी कि आप SDO का बना हुआ है या DC का बना हुआ है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद स्थानीय निवास जिला, आप किस ज़िले से हैं, फिर उस प्रमाण जिले का निवासी जो है आप उस प्रमाण पत्र आपको यहाँ संख्या देना है यहाँ पे, फिर उस किस डेट को निर्गत किया गया है, और यहाँ पे वही चीज़ SDO का निर्गत किया हुआ है या DC का वो देना है, और यहाँ पे पत्राचार का पता, ठीक है, और उसके बाद अस्थाई पता देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ उन्होंने लिखा है, अभ्यर्थी की जन्म तिथि आवेदन की अंतिम तिथि 21/10/2018 तक 18 से 42 वर्ष होनी चाहिए, जो कि 22/10/1999 से 22/10/1975 के मध्य है, ठीक है, तो इसके बीच होना चाहिए। इसके अलग डेट में अगर है यानी कि 1999 के बाद अगर है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, या फिर 1975 के बाद हैं पहले हैं तो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और देखिए शैक्षणिक योग्यता को यहाँ पे भरना है, मैट्रिक का विषय लागू नहीं है इसमें, आपको यहाँ पे उत्तीर्ण होने का वर्ष लिख देना है, यहाँ पे पूर्णांक कितना है, टोटल नंबर कितना है, आपको मार्क्स कितने आए हैं और कितना परसेंटेज हुआ वो देना है, आपको यहाँ पे स्कूल का नाम लिखना है या बोर्ड का नाम, झारखंड बोर्ड से है तो जैक लिखना है यहाँ पे, और आप आगे ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन को आप यहाँ पे दे सकते हैं, और अनुलग्न की सूची, सभी अनुलग्न स्व अभिप्रमाणित करते हुए संलग्न, देखिए क्या क्या चीज़ आपको देना है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र का छाया प्रति देना है, इसमें सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, अंक पत्र मार्कशीट देना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र की छाया प्रति, और फोटो वो यानी कि वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो भी है आपके पास उसमें से कोई भी एक आपको यहाँ पे देना है,
और साथ ही यहाँ पे घोषणा दिया गया है। घोषणा देने के बाद यहाँ पे प्लेस लिख देना है, स्थान, दिनांक, फिर यहाँ पे सिग्नेचर करना है आपको। और यहाँ पे ये तो इसके बाद जो है इसको आप खाली छोड़ना है, ये कार्यालय यूज़ के लिए है, आप इसे नहीं भरेंगे, ठीक है, आप यहीं तक भरेंगे। इस रेड लाइन में यहाँ पे दे दे रहा हूँ, इस रेड लाइन के ऊपर ही आप भरेंगे, इसके नीचे नहीं भरेंगे आप, ये ऑफिस यूज़ के लिए। और ये इतना चीज़ आपको करके लेके जाना है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, और अगले ही जैसे कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको शेयर करूँगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए आपके ईमेल आईडी पे। तब तक के लिए धन्यवाद।